हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स ओके इन द सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में मैं ये जो AOC का मॉनिटर है इसको चेक करने वाला हूँ। तो पहले तो वी विल स्टार्ट चेकिंग बाय दिस केबल। ये केबल पूरा ठीक है तो अभी लगा के देखते हैं। पावर नहीं आ रहा है तो इसको खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं सेम एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था मैंने। ये देखिए, ये डायोड ख़राब हो गया है, ठीक है। बाकी तो कुछ मैक्सिमम ये डायोड ख़राब होता है, ये डायोड, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम इधर भी है इस बोर्ड में। तो चलिए, मैक्सिमम ये डायोड ही ख़राब होता है। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ये मॉस्केट भी अभी शॉर्ट दिखाएगा, तो मैं पहले इस डायोड को निकालूँगा, उसके बाद देखते हैं कि शॉर्ट जाता है कि नहीं। कि यहाँ पे जो है 19 वोल्ट इधर से पास होता है, लेकिन ये शॉर्ट है इसीलिए 19 वोल्ट अभी पास नहीं होगा ये वाला। तो मैं ये इस डायोड को रिमूव करके देखूंगा कि शॉर्ट गया कि नहीं गया। ये ख़राब है, अभी देखते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट गया कि नहीं गया। ये देखिए, हमारा पॉजिटिव वोल्टेज
शॉर्ट है कि नहीं। हाँ ठीक हो गया है, और यहाँ पे ये मॉस्फेट भी अभी शॉर्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये डायोड ख़राब है, ये डायोड आपको SMPS में मिल जाएगा। एक्चुअली सेम नहीं है, ये 5 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, लेकिन फिर भी ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए लगभग ये सेम साइज़ का है। ये ओके है, मैंने ये है एनोड में पॉजिटिव रखा है, और कैथोड यह है कैथोड नेगेटिव, कैथोड में नेगेटिव रखा है, तो ये एक वैल्यू शो कर रहा है, मतलब इधर से इधर करंट पास हो रहा है। लेकिन मैं अगर ये उल्टा कर दूं तो ये कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ये डायोड ठीक है। ठीक है, अब देख रहे हैं, तो इसको लगा देंगे हम। इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव देना पड़ेगा। अभी मैं देख लेता हूँ कि 19 वोल्ट आया कि नहीं आया। वोल्टेज शो कर रहा है 19 वोल्ट, इसका मतलब यह ठीक हो गया है। यहाँ पे कभी टच नहीं करना है आपको, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है आपको। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर भी करिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।